इसमें रख दिया कि हमें निष्कप। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे से और मज़े में होंगे। यहाँ पर गमलों का पेंट चल रहा है, कुछ गमले प्लास्टिक के हैं और कुछ मिट्टी के हैं, तो उस पर कलर किया जा रहा है। एक भैया आए कलर करने के लिए। चलो चाय बन गई, पी लो। कब तक लगाते रहोगे लाइट? चलो, अच्छा ठंडी हो रही है। ये हमारा बैगन का प्लांट्स, इस पर लग रहे हैं कीड़े और पता नहीं कौन सी दवा इन्होंने छिड़की है। ये गर्मियों में तो हमने लगाया नहीं था क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी और बारिश हो नहीं रही थी और पौधे सूख जा रहे थे। कितना भी पानी डाल लो लेकिन पौधे हो नहीं रहे थे, इसलिए ये पौधे अभी हमने लगाए हैं। ब्रूनो यहाँ भी आ गया। क्या देख रहे हो ब्रूनो? ब्रूनो चलो मेरा गला बैठा है। भागा 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 भागा, पटाखे से डर के बाद भाग। उसमें देखिए पत्ते सारे खा गए कीड़ों ने। सौरभ इसको निकाल के किसी बड़े गमले में लगा देते हैं, ये अपने आप जमा। चलो सौरभ चाय पी लो। ये तुलसी जी देखो, अपने पास कोई फ्लावर, ये देखो एक लगाते हैं एक सुखाते हैं। गमले सूख रहे, पानी नहीं है, जिम्मेदारी है तो उनको डालना चाहिए ना। पतंग क्या करोगे? मैं धनिया जम रही है, देखते हैं जम भी पाती है। ये मेथी है शायद। नहीं, ये पालक है। देखिए मैंने मसालदानी तैयार कर दी और देखिए मतलब जो डेली यूज में आने वाली है सब मैंने इसमें डाल दिया है। भुना हुआ जीरा है, मेथी है और जीरा है, कश्मीरी लाल मिर्च है, सब्जी मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक मैंने इसमें रख दिया। ये हमें नेस्कैफे के साथ मिला हुआ था और ये सही रहेगा इसमें, और इसको ढक के हम इसमें रख देंगे। ये ख़राब भी नहीं होगा नमक से, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी वगैरह तो रखी नहीं जाती, कॉफ़ी उतना यूज़ में नहीं आती है, तो हमने इसमें नमक रख दिया है। बिल्कुल गलेगा भी नहीं, ये सिरेमिक है ना, नहीं गलेगा और अच्छा भी लग रहा, कितना प्यारा लग रहा। अब इसको हम ढक के रख देंगे। अच्छे से इसको भून लिया है, बिल्कुल सारे मसाले डाल के भून लिए हैं। और एक सीटी लगने तक लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। मैं सोच रही हूँ मिस को भी करके डालूं, लेकिन ये बीच में ही डालने होंगे थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए। ये हरे बारीक इस तरह से मिर्च डाल दूँ थोड़ी, पीसी हुई हमारे पास मिर्च नहीं है, मेरे को हम पीसी डाल देते, ये हरी डाल देंगे तो थोड़ी सी चटपटी हो जाएगी। और इसे हमें कचौड़ी बनाना है, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे, सौरभ को बहुत पसंद है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बस, इसमें हम घी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे। और इसको अच्छे से हम, नमक डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है, सब्जी मसाला डाल दिया है, हींग डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से मसाले वाली पूरी हम बनाएंगे इस तरह से मसल के, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, ज्यादा नहीं।
ये हमारी बन रही है गर्मा गर्म मसाले वाली पूड़ियाँ। आज ये आप भी खा लीजिए, अभी परोसने जा रही हूँ। और ये देखिए फूले फूले बन के तैयार हो गई। मेरा किचन छोटा है ना, इसलिए बहुत मुश्किल से बनता है। तो आप भी आ जाइए, खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। बहुत प्यारी लग रही है लाइट, बाहर से बनाओ तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे जाना पड़ेगा मुझे। ये तार आगे नहीं रहता तो और बढ़िया लगता। और ये इस पे लगा देना कल, इस पौधे पे भी, इस पे।